रुद्राय नमः। सर नमस्कार, ओटीपी दीजिएगा सर प्लीज। नमस्कार, अरे ये तो तुम हो। ओटीपी दीजिएगा सर। ओके। सर आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। सर आप पहले भी मेरे साथ इतनी बार आ चुके हैं पर मैंने इतना परेशान आपको कभी नहीं देखा। नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही आंखें नम हो गई। सर मैं गाड़ी रोक देता हूँ आप। नहीं चलाते रहो। मेरी एक बेटी है, बहुत समय से उसके लिए लड़का ढूंढ रहा हूं। पता नहीं कब होगी उसकी शादी। इतने धक्के खा चुका हूं कि अब तो मुझे लगता ही नहीं कि कभी उसकी शादी होगी। सर जब भगवान चाहेगा तब हो जाएगी शादी। यही सब कहते कहते मेरी पत्नी पिछले साल गुजर गई। बहुत ज्यादा विश्वास था उसको भगवान पर। शायद भगवान ने इसीलिए उसे अपने पास बुला लिया। तो सर बस आप और आपकी बेटी ही हैं अब? यहां तो हम दोनों ही हैं। क्या मतलब सर? मेरे दो बेटे भी हैं, दोनों अमेरिका में रहते हैं। कोई कमी नहीं है उन्हें। वाह सर, आपके तो मजे ही मजे हैं। आपको क्या कमी है फिर? मेरा भी सपना था कि मैं भी कभी विदेश जाऊं। ठीक कहते हो भैया, पूरे मजे हैं, पूरे मजे हैं। पिछले साल जब उनकी मां मरी, दोनों के पास समय नहीं था आने का। बस बार बार एक ही बात पूछते रहे कि पैसे कितने भेजे। उसी मां के लिए उनके पास समय नहीं था जिसने अपने सारे गहने बेचकर उनको पढ़ने भेजा था। वो बेचारी शुरू से ही पूरनमासी का व्रत रखती थी, प्रसाद बनाती थी, क्योंकि उसके बेटों को प्रसाद बहुत पसंद था, और कभी कभी तो सारा प्रसाद उन्हें ही दे देती थी। उनके जाने के बाद भी वो ये व्रत करती रही, प्रसाद बनाती थी और पूरी कॉलोनी में बांटती थी। मरने के पहले तक वो ये व्रत करती रही, पर वो अंतिम समय में भी उसे देखने नहीं आए, नहीं आए उसे देखने। चलो उस समय नहीं आए, कोई बात नहीं, बाद में आ जाते। और आज उसकी मौत को पूरा सवा साल हो गया, पर वो नहीं आए। बस एक ही बात होती है, पैसे कितने भेजे, कितने पैसे भेजे। अरे जब उनकी मां ने ही कुछ नहीं मंगाया तो मैं क्यों मंगाने लगा मैं उनसे पैसे। सर आप उनसे क्यों नहीं कहते रिश्ता देखने के लिए? क्या कहूँ उनसे, जिनके पास बाप के लिए ही टाइम नहीं है, वो अपनी छोटी बहन के लिए क्या करेंगे। आप धीरज रखिए सर, आप देखिएगा बहुत अच्छी जगह रिश्ता होगा आपकी बेटी का। चलो कम से कम तुमने तो ये कहा, नहीं तो मुझे तो सब पागल ही समझते हैं। दुनिया का क्या कहूँ, मुझे तो मेरे अपने बेटे पागल समझते हैं। सर एक सवारी और लेनी है।
नमस्कार मैम, ओटीपी दीजिएगा प्लीज। 23245। आप ठीक तो है ना? जी बिल्कुल। आप कहाँ तक जा रही हैं? जी विंसले पार्क। और आप? मैं तो अभी यहीं कनॉट प्लेस पे ही उतर जाऊंगा। आप कहाँ रहते हैं वहाँ पर? विला नंबर 226, वॉकर्स पार्क के अपोजिट। ओह, वहाँ तो हमारे एक जानकार मिस्टर भटनागर भी रहते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो 311 में रहते हैं, पार्क के राइट साइड में। बहुत अच्छे आदमी हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। बड़े नेक आदमी हैं। जी हाँ सर, आपका डेस्टिनेशन आ गया। अरे देखो, उन जेंटलमैन की कुछ फोटोज एंड पेपर्स गिर गए हैं। मैम ये उनकी बेटी के फोटोज हैं। बहुत परेशान है कि उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा है। पत्नी है नहीं और दो दो बेटे होने के बावजूद खुद लड़का देख रहे हैं। सुनो जी, मुझे वो फोटोज दिखाओगे? ये लीजिए। मैम मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत ही भले आदमी हैं। जब भी किसी गरीब बच्चे को देखते हैं तो उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, खाना खिलाने लेकर जाते हैं। इनकी बेटी अपने हाथों से खाना बनाकर देती है। मैंने आज तक इतना संस्कारी आदमी नहीं देखा और इनकी बेटी भी बहुत भली है। तुम इतना सब कैसे जानते हो? मैम मैं इसी रूट पे ज़्यादा चलता हूँ और ये साहब मुझे रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के तो मिल ही जाते हैं। ये सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा है। कुछ और बताओ इनके बारे में। बस मैम इसे किस्मत कहें या क्या कहें, मैम अभी आपके आने से पहले बहुत रो रहे थे बेचारे। मैंने बहुत पूछा तो उन्होंने बताया कि इनके दो दो बेटे हैं जो अमेरिका में सेटल्ड हैं। पिछले साल इनकी पत्नी का देहांत हो गया था और वो अब तक अपने बाप से मिलने नहीं आए। बस मैम दुख होता है कि इतने भले आदमी और इतना परेशान है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी अच्छे लोगों की ज़्यादा परीक्षा लेता है। अच्छा ये फोटोज़ मैं रख लूँ? मैम वो मुझे बहुत मिलते हैं इस रूट पर, उन्होंने मांग ली तो। ऐसा करो तुम मेरा नंबर सेव कर लो, तुम्हारा नंबर मेरे पास है ही। आई प्रॉमिस तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है आप कहती हैं तो। प्रणाम माँ। प्रणाम बेटा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बता, तूने जो मुझसे वादा किया था वो याद है या भूल गया? माँ आपकी कोई बात मैं नहीं बोलता, आप बताओ क्या बात है? देख मुझे ना तेरे लिए एक लड़की पसंद आ रही है, अभी फोटो भेजूंगी, तू देखकर बताना कैसी लगी। माँ आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। नहीं पहले फोटो देखो उसके बाद मुझे बताना, और अगर पसंद ना हो तो मना कर देना। माँ कैसी बात कर रही हो, आपकी पसंद ही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा अब ज्यादा मक्खन मत लगा, और बता तेरे अमेरिका के क्या हाल है? माँ कितनी बार बोला है कि मेरा अमेरिका नहीं है, मैं तो यहाँ सिर्फ काम करने आया, मेरा अपना तो हिंदुस्तान है माँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा।
क्या हंस क्या रहे हो? दूध भी पीना पड़ेगा और ड्राई फ्रूट्स भी खाने पड़ेंगे। जी बहुत बेहतर, और कोई सेवा? बाद में बताती हूँ। अरे न्यूज़पेपर तो देके जा। क्या पापा, ये क्या करते रहते हो? मैंने कहा ना, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा बेटी, ना जाने वो कौन सा दिन होगा तेरे हाथ पीले कर दूं और चैन पाऊं। क्यों ऐसा बोलते हो पापा? हाँ, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? हाँ बोलो, बोलते क्यों नहीं? बेटा मैं तो ठीक हूँ और हमेशा ठीक ही रहूंगा, और फिर देख मैं तो कितना जवान हूँ है ना? हेलो हेलो, कैसे हैं अग्रवाल जी? भटनागर जी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बस आपको बधाई देने के लिए फोन किया है। किस बात की बधाई? अरे आपके बिटिया के रिश्ते की। लेकिन अभी रिश्ता कहाँ हुआ है, आपने भी मेरी मजाक उड़ानी शुरू कर दी। हाँ नहीं नहीं अग्रवाल जी, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी बेटी पसंद आ गई है हमारे एक जानकार को। पसंद आ गई है, लेकिन कब और कैसे? अरे आप कल मिले थे ना मिसेस गोयल से टैक्सी में। वो हमारी पुरानी जानकार है। अच्छा वो मिसेस गोयल? हाँ हाँ, वो बता तो रही थी आपके बारे में। हाँ, अरे उन्हीं का बेटा है, यूएसए में है, लेकिन इतना संस्कारी है कि माँ ने लड़की पसंद कर ली तो शादी के लिए एकदम तैयार हो गया। यूएसए में? हाँ लेकिन वो जल्दी यूएसए से इंडिया शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बिटिया को कब देख लिया? कल आपकी बिटिया की फोटो टैक्सी में गिर गई थी और उन्होंने मुझसे आपके बारे में सारी जानकारी ले ली। अग्रवाल जी, उन्हें लड़की और परिवार दोनों पसंद है। ये तो कोई चमत्कार सा लग रहा है। अरे अग्रवाल जी, अब मिठाई खिलाने की तैयारी करो। ठीक है, अब रखता हूँ, उनका नंबर आपको भेज रहा हूँ, आप बात कर लेना। हेलो जी नमस्कार, मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ। वो भटनागर जी ने आपका नंबर दिया था। भटनागर जी कह रहे थे कि? जी ठीक कह रहे थे, हमारे परिवार को आपकी बिटिया बहुत पसंद है। जी बस आपकी सहमति चाहिए, मैं आपके पास बेटे के पर्टिकुलर्स भेज देती हूँ। आपने मेरी बिटिया को देखा भी नहीं और पसंद भी कर लिया? अरे आपको देख लिया ना भाई साहब, और भटनागर जी ने हमें सब बता ही दिया था। अब अगर हम आपको पसंद है तो मिलकर सब डिसाइड कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और हाँ, हमारी एक शर्त है। जी जरूर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं शादी खूब धूमधाम से करूँगा, जो कुछ भी मेरा है वो इस बिटिया का ही तो है। शर्त सुन तो लीजिए भाई साहब, हमें बिल्कुल सिंपल मैरिज चाहिए, दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपको स्वीकार है तो बताइए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, भगवान ने इतनी सारी खुशियां एक साथ मेरे दामन में डाल दी। तो ठीक है भाई साहब, जल्दी मिलते हैं। जी प्राची। हाँ पापा। इधर आ बिटिया, ये देख जरा। नहीं देखना मुझे, कह दिया ना मैं कहीं नहीं जा रही। अरे बेटा ऐसा नहीं कहते, और फिर तू तो हमेशा मेरा ध्यान रखेगी ना बेटा, देख बेटा। पापा।